ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, थोड़ा सा प्रीव्यू। थ्रिलर है तो थ्रिलर के बारे में कैसे बता सकते हैं, मगर एक्चुअली डायरेक्टरों की दुविधा ये होती है कि बहुत कम बताएंगे तो बोरिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा बताएंगे तो कोई आएगा नहीं देखने, तो बताएं तो क्या बताएं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्ताब फिल्म में एक ऐसा आदमी है जिसकी ज़िंदगी खतरे में है, जिसके दिल में एक होल है, इज गॉट अ होल इन हिज हार्ट, और कैसे एक दिन उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और उसे पता चलता है कि जिसने उसको ये हार्ट डोनेट किया वो सलीना है, और सलीना के हस्बैंड का हार्ट है। और जब ये पता चलता है तो उसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि अब सलीना की ज़िंदगी खतरे में है और कुछ ऐसा हो रहा है उसकी ज़िंदगी में जो सिर्फ वो उसकी मत, वो क्या है जो सलीना को परेशान कर रहा है, वो क्या है जिसकी वजह से सलीना के हस्बैंड की मौत हुई, और ये दीज आर द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड द थ्रिल्स इन द फिल्म। मुझे क्या लगा कि जो मतलब एक जवाब ये है कि आफ्ताब और मेरे बीच में एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रिलेशनशिप है क्योंकि हमने बहुत सारा काम एक साथ किया है और एक दूसरे के साथ हम लोग दोस्त भी हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे दूसरे एक्टरों के साथ भी काम किया है, जबकि आफ्ताब के लिए रेड का रोल परफेक्ट था, एंड आई थिंक आफ्ताब ने अपने आप को ही हैज़ बीन एबल टू रिक्रिएट हिमसेल्फ। आफ्ताब का जो लुक है, आफ्ताब का जो गेटअप है, उसका जो हेयर स्टाइल है, एक बिल्कुल अलग आफ्ताब को हम इस फिल्म में देखेंगे। मैं वुमेन इमोशंस पे रिसर्च नहीं करता हूँ, मैं कोई PhD डॉक्टरेट नहीं की मैंने फीमेल इमोशंस पे, लेकिन मुझे लगता है कि like I think the emotions are not only, it's not only about women, it's about a man woman relationship. Sirf auraton ke emotion ko leke aap film nahi bana sakte, the interaction of a man and a woman, ye jo emotion hota hai, even a man's emotion, even a woman's emotion, I think ye jo relationships hoti hain, or certainly the relationships which are out of the box, दे काइंड ऑफ इंटरेस्ट मी, जो अलग किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं, जो डार्क रिलेशनशिप्स होती हैं, आई हैव हैड अ फैसिनेशन फॉर दोज रिलेशनशिप्स एंड आई लाइक टू मेक फिल्म्स ऑन दोज रिलेशनशिप्स। फिल्म का नाम रेड क्यों है, व्हाई द डार्क साइड? क्योंकि रेड एक पैशनेट कहानी है, एक जैसे मैं कहता हूँ रेड इज नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ लस्ट स्टोरी, सो इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट डिज़ायर, और पैशन और डिज़ायर का कलर इज़ रेड। एट द सेम टाइम इट्स अबाउट डेंजर, इट्स अबाउट यू नो पेरिल्स, इट्स तो उसका कलर जो होता है वो दैट इज़ ऑल्सो रेड, सो इट्स रेड ऑन बोथ ग्राउंड्स। Generating quite a curiosity with the Sufi touch, the music. Yeah, there are two promos on air right now. Ek hai Afreen aur ek hai Ameen. Do alag alag gaane hain. Dono ke promos on hain. Baki hum kuch music video shoot kar rahe hain. Ek aur music video aa raha hai. Teen music videos hain. 5 gaane hamari film mein hain. Lekin mujhe lagta hai ki Red jaisi film ka music dena bahut mushkil hota hai. Kyunki it's a new kind of film. It's a modern kind of film. उसकी कहानी बड़ी पेचीदा है और उसके लिए म्यूज़िक देना, और ऐसा म्यूज़िक देना जो पॉपुलर भी हो, सिर्फ ये नहीं कि फिल्म में अच्छा लगे लेकिन बाकी उसे कोई सुनना नहीं चाहता, ऐसे म्यूज़िक का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है हिमेश की जीत यहाँ हुई है कि उसने इस तरह से दोनों म्यूज़िक का
दोनों चीज़ों का मिश्रण किया है कि ही इज़ गिवन म्यूजिक विच इज़ करेक्ट फॉर द फिल्म, एट द सेम टाइम ही हैज़ गिवन म्यूजिक विच इज़ सो पॉपुलर एंड विच पीपल वुड लाइक टू लिसन टू. एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि मेरे तीनों एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई थिंक जो काम इन्होंने किया है आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव डन इन दैट प्लेस. मैसेज क्या, मैसेज तो आप जो भी लेना चाहें कोई भी फिल्म में से ले सकते हैं, लेकिन there is not a message but there is a theme to the film but I cannot reveal what that is. What are you expecting from this year, this one of the biggest releases of your career for this year too? No, I don't think it's one of the biggest releases. I don't think anything is bigger than me. I think films, someone said that a hit film is nothing but the permission to make another film. So I think films come, films go, but we are directors and as storytellers we should be able to tell stories. That's it. What else is coming up, sir, after that? There's a film called Life Mein Kabhi Kabhi which has been made for producers Govardhan Tanwani and Ajay Acharya for Baba Films. That's a very different kind of film. That's a story of five friends and an emotional film. That's up for next. And then there's a ghost story called Fear which should come out sometime this year. ये गाना जो अभी शूट हो रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली रीमिक्स है. इट्स एक्चुअली अ वीडियो फॉर जो फिल्म में गाना है उसका एक रीमिक्स वर्जन का वीडियो बना रहे हैं हम. ये गाना जो फिल्म में है आमीन, वो एक ऐसे मौके पे आता है जहाँ पे आफ्ताब और सलीना एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं.